हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण। बस अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे, जब बोल रहा हूँ और जब बोर्ड पे लिखूंगा वो लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करता हूँ फिर मैं टॉपिक, साइक्लो एल्केन। ओके सर, साइक्लो एल्केन क्या बात है, साइक्लो एल्केन्स कितना इजी टॉपिक है यार। सबसे पहला पॉइंट याद करो कि ये साइक्लो कंपाउंड होते हैं। कैसे? ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? चक्रीय यौगिक होते हैं, लेकिन यार ये एलिफेटिक यौगिक के समान बिहेव करते हैं। ये एलिफेटिक यौगिक के समान बिहेव करते हैं, यानी कि क्लोज चैन कंपाउंड होते हैं, लेकिन ओपन चैन कंपाउंड के समान बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। चलो पहले मैं लिख देता हूँ कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके चक्र समान कार्बन एटम से बने होते हैं, या ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके चक्र में समान कार्बन एटम होते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे पास? साइक्लो एल्केन्स कहलाते हैं। पर ध्यान देना, देखो मैं लिख दूं परिभाषा कि भाई ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ओके साहब, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जिनके चक्र में समान कार्बन एटम होते हैं, समान कार्बन, ठीक है, एटम होते हैं। घबराओ मत यार, इजी टॉपिक है। समान कार्बन एटम होते हैं, साइक्लो एल्केन्स कहलाते हैं। ध्यान देना बेटे, साइक्लो एल्केन्स कहलाते हैं। ओके सर, साइक्लो एल्केन्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। सर साइक्लो एल्केन्स कहलाते हैं, और बताओ इनके बारे में और क्या हाल है साइक्लो एल्केन्स का, ठीक है। परिभाषा मैंने लिख दी, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके चक्र में समान कार्बन एटम होते हैं, साइक्लो एल्केन्स कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इनको हम साइक्लो पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम साइक्लो पैराफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, क्या कहते हैं साइक्लो एल्केन को? इन्हें साइक्लो पैराफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें साइक्लो पैराफिन्स भी कहते हैं, ठीक है, पैराफिन भी कहते हैं, साइक्लो पैराफिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई एल्केन को पैराफिन कहते हैं ना, हम एल्केन को पैराफिन कहते हैं, तो भैया साइक्लो ठोक दिया जबरदस्ती आपने, तो हम बोल देंगे इसको साइक्लो पैराफिन, ठीक है। नहीं तो एक बात और है, इन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। कितने नाम आते हैं देखो, इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, इन्हें एली, ठीक है, साइक्लिक, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। देखो कितने शानदार नाम है, इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओके सर, इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। और एक दो नाम और बता दो, इन्हें पॉलीमेथिलीन भी कहते हैं, लेकिन वो मैं आगे लिखवाऊंगा। अभी फिलहाल तो इनका नॉर्मल फॉर्मूला याद कर लो, CnH2n होता है, लेकिन एल्किन का भी फॉर्मूला यही होता है। अगर इनके नॉर्मल फॉर्मूले की बात करोगे तो बेटे नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा जरा मुझे बताओ। नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है इसका, नॉर्मल फॉर्मूला वो होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है, याद कर लो ठीक से, CnH2n होता है। देखो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n होता है, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन बिहेव ये एलिफेटिक कंपाउंड के समान रखते हैं, यानी कि साइक्लो एल्केन एलिफेटिक कंपाउंड के समान गुण रखते हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। समझ में आया? यानी कि ऐसे कंपाउंड, एक परिभाषा इनकी यही बनती है कि ऐसे कंपाउंड जिनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड के समान होते हैं परंतु एरोमेटिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं, साइक्लो एल्केन कहलाते हैं। एक परिभाषा ये भी आ जाती है, पर घबराया नहीं है, अपनी सिंपल सी परिभाषा लिख दी मैंने, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इनके जो गुण होते हैं बेटे, जरा ध्यान देना, इनके गुण, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड के समान होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड के समान होते हैं, ओके, परंतु एरोमेटिक कंपाउंड से, ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं, से पूर्णता डिफरेंट होते हैं, पूर्णता डिफरेंट होते हैं, ठीक है, पूर्णता डिफरेंट होते हैं। इनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड के समान होते हैं परंतु एरोमेटिक कंपाउंड से पूर्णता डिफरेंट होते हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई समानता नहीं है। जैसे मूवीज आती है ना, बोल देते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि इस मूवी की किसी भी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है, पूर्णता काल्पनिक है, वही वाला हिसाब है बिल्कुल, कि इनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड के समान होते हैं लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कोई लेना देना नहीं होता। बस यार साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि साइक्लो एल्केन भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं।
ठीक है चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी अभी। ठीक है मैंने ये लिख दिया। अच्छा मेरे पास नॉर्मल फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है नॉर्मल फॉर्मूला क्या CnH2n, इससे मैं अनेक कंपाउंड बना सकता हूँ। देखो पहला कंपाउंड क्या था, पहला कंपाउंड बेटे तीन वाला बनता है, इसमें दो वाला नहीं बनेगा पहला कंपाउंड, दो वाले में तो भैया चैन पूरी नहीं होगी, तीन वाला पहला कंपाउंड बनता है। यहाँ C3 रहोगे ना तो पहला कंपाउंड बनेगा मेरे पास, मैंने रख दिया यहाँ पे C3 और तीन दूनी छः, ठीक है H6 बन गया मेरे पास। ठीक है तो इसमें देखो बेटे जरा, इसका जो कंपाउंड होगा CH2, ठीक है CH2 और सिंगल बॉन्ड फिर से CH2 और बेटे सिंगल बॉन्ड CH2, या मैं इसको बोल दूंगा इस टाइप से, यह बन गया मेरा त्रिभुज। ठीक है मैथ में त्रिभुज होता है लेकिन यहाँ पे ये होता है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन बस जो एल्केन होते हैं उन एल्केन से पहले, ठीक है उन एल्केन से पहले आपको साइक्लो ठोक देना होता है बस। तो ये बन गया बेटे साइक्लोप्रोपेन, क्या नाम है इसका साइक्लोप्रोपेन, ओके इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो ठीक है साइक्लोप्रोपेन ओके। अच्छा ठीक है एक कंपाउंड और बताओ, तो घबराओ मत यार मैं सारे के सारे कंपाउंड तुम्हें बताता हूँ। देखो पहला दूसरा कंपाउंड मेरे पास क्या आता है, दिख रहा है ना बोर्ड, ठीक है भाई दूसरा कंपाउंड मेरे पास आता है। देखो मैं जो कंपाउंड यहाँ बना रहा हूँ ना, इस समय जो कंपाउंड मैं आपको बनाऊंगा यहाँ पे, वो कंपाउंड कुछ मेरे पास इस टाइप से होगा ये, ठीक है ये बताओ ये चार कोनों वाला मैथ में चतुर्भुज होता है लेकिन यहाँ पे बेटा ये साइक्लोब्यूटेन होता है, क्या होता है यहाँ साइक्लोब्यूटेन होता है। ओके सर ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी हमने, ठीक है तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप से बना सकते हो उसको चतुर्भुज, और ये जो चतुर्भुज है हमारा इस चतुर्भुज का नाम क्या देंगे, अबे ये तो आयत बन गया वर्ग बनाओ, सबके बॉन्ड समान लगभग समान ही होते हैं, ठीक है तो ये बन गया मेरे पास साइक्लोब्यूटेन। ठीक है सर इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं साइक्लोब्यूटेन, ठीक है सर साइक्लोब्यूटेन है ना साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही अब बना सकते हो साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन, चलो मैं बना दे रहा हूँ। पहला कंपाउंड हमारा ये हो गया, ठीक है दूसरा कंपाउंड हमारा ये हो गया, तीसरा कंपाउंड मेरे पास याद आ देखो साइक्लोपेंटेन, ठीक है CH2 और CH2 फिर भैया CH2, ठीक है और फिर हमारे पास CH2, ठीक है ये बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन, या इसको तुम लिख सकते हो इस टाइप से, ऐसे करके बना सकते हो इसको ये, ठीक है इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन, ठीक है इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। अगर मैं थर्ड पॉइंट लूँ तो बेटे मैं बना सकता हूँ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है साइक्लोहेक्सेन ये इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन CH2 ये इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ध्यान देना इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन, ओके ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है भाई ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो बहुत सारे नाम आपके बन जाते हैं, तो इसका नाम क्या है साइक्लोप्रोपेन, भैया इसका नाम क्या है साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लें, इसके बाद करवाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। चलिए साहब अब पढ़ लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स, डाल देता हूँ मैं हेडिंग IUPAC, ठीक है IUPAC, ठीक है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स, ठीक है भाई IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन, यानी कि साइक्लोएल्केन का IUPAC नाम पढ़ना। देखो चार मेथड से करवाऊंगा, चार नियम है, चारों के चारों नियम ठीक से याद कर लो, और चारों के चारों नियम अगर याद हो गए तो सिंपल सी बात है भाई इसका IUPAC नामकरण कर लो, क्योंकि ऐसे कंपाउंड है जिनका नामकरण करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिस मेथड से मैं बताऊंगा उस मेथड से अगर आप IUPAC नामकरण करना सीख गए तो सिंपल सी बात है कैसा भी आपको साइक्लोएल्केन दे दिया जाएगा, आप तुरंत उसका नामकरण कर दोगे। ठीक है तो देखो जरा पहला कंपाउंड मैं लेता हूँ, इसमें पहला नियम मेरे पास आता है रूल फर्स्ट, इसका ध्यान देना बेटे रूल, जब तक रूल याद ना करोगे ना तब तक इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रूल याद करने बड़े ज़रूरी हैं। तो रूल फर्स्ट मेरे पास ये होता है कि अगर मेरे पास नॉर्मल पेंटेन है, मेरे पास इसका नाम क्या पता है पेंटेन है साइक्लोपेंटेन है, ठीक है तो ये समूह क्या है, इसमें कोई भी आपने फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जोड़ा, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं आया, तो हम नॉर्मल नेम लिखते हैं एल्केन का, जैसे होता ना हमारे पास तीन कोनों वाला, यानी कि मैथ एथ प्रोप होता हमारे पास प्रोपेन, बस उसके पहले यानी कि नॉर्मल एल्केन से पहले साइक्लो लगा दिया जाता, इसको बोला जाता अप्रतिस्थापित, जरा ध्यान देना लाइन पे अप्रतिस्थापित, ओके सर अप्रतिस्थापित, ठीक है अप्रतिस्थापित साइक्लोएल्केन में, ठीक है अप्रतिस्थापित साइक्लोएल्केन में नॉर्मल एल्केन से पहले, ध्यान देना बेटे सामान्य एल्केन नॉर्मल
एल्केन से पहले, नॉर्मल एल्केन से पहले ठीक है साइक्लो लगा दिया जाता है, साइक्लो लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। ध्यान देना लाइन पे जरा, अप्रतिस्थापित साइक्लो एल्केन में नॉर्मल एल्केन से पहले साइक्लो लगा दिया जाता है, हो जाएगा यार अप्रतिस्थापित साइक्लो एल्केन में नॉर्मल एल्केन से पहले साइक्लो लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बनाया ये, तो मैं इसका नाम है तीन कोनों वाला है ये, तो सिंपल सी बात है इसका नाम हो जाएगा एल, जो तुम्हारे पास प्रोपेन होता है प्रोपेन से पहले साइक्लो लगा दिया जाता है, साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लो प्रोपेन, ओके सर। और अगर मैं ये लूँ चार कोनों वाला, तो भैया इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। और अगर मान लो सेकेंड नंबर पे, यानी कि रूल सेकेंड मेरे पास आता है, देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, अगर कोई भी प्रतिस्थापित समूह जुड़ा है, कोई भी प्रतिस्थापित समूह जुड़ा जैसे एथिल मैथिल क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो गिनती हम प्रतिस्थापित समूह की ओर से करेंगे, ठीक है, और उसका नाम पहले लिखेंगे। देखो प्रतिस्थापित, देखो यदि, ठीक है, यदि, या मैं लिख दे रहा हूँ, देखो इसको ऐसा कर दे रहा हूँ रूल को मैं, प्रतिस्थापित साइक्लो एल्केन में, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, प्रतिस्थापित साइक्लो एल्केन में, ठीक है, प्रतिस्थापित साइक्लो एल्केन में, ठीक है, प्रतिस्थापित साइक्लो एल्केन में, ठीक है, प्रतिस्थापित समूह की ओर से, प्रतिस्थापित समूह की ओर से, समूह की ओर से क्या करते हैं हम, प्रतिस्थापित समूह की ओर से गिनती करते हैं, गिनती करते हैं, तथा पहले, तथा पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखते हैं, तथा पहले प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखते हैं, समूह का क्या लिखते हैं बेटे, नाम लिखते हैं, तथा पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखते हैं। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, बस सिंपल समझना है। जैसे देखो मैं पहला एग्जांपल तुम्हें समझाऊं, मेरे पास जरा ये बताना है बेटे CH2 और CH2, ठीक है, फिर मेरे पास CH2 और भैया ले मेरे पास फिर CH2, ठीक है। अब ये देखो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अगर मैंने यहाँ H हटा के एक Cl कर दिया, तो अब इसका नाम क्या हो गया जरा मुझे बताना बेटे, क्या नाम हो गया इसका जरा, इसका नाम हो गया वन क्लोरो। अब पहले गिनती कैसे करेंगे, एक दो तीन चार, मन आपका कर रहा तो आप ऐसे चल सकते हो, एक दो तीन चार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापित समूह की ओर से गिनती करेंगे, उसका नाम पहले लिखेंगे, कितने नंबर पे आया, वन पे आया, वन क्लोरो, ठीक है, ध्यान देना बेटे वन क्लोरो, ठीक है, वन क्लोरो और साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, वन क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ओके। अगर मैं दूसरा नामकरण दूं करने के लिए, यानी कि दूसरा कंपाउंड दूं नामकरण करने के लिए, तो क्या आप कर सकते हो, चलो देखते हैं उसका भी करने के लिए, अरे कर क्यों सकते हो, जब समझ में आ गया तो कर लोगे, क्यों डर रहे हो आप। सी एच टू में से मेरे पास सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू है, फिर मेरे पास बेटे सी एच टू है, अल्ले फिर मेरे पास सी एच टू आ गया सिंगल बॉन्ड। अब मेरा मन करा, मैंने क्या काम करा, यहाँ से हटा के सी एल लगा दिया, फिर इस एच को हटा के मैंने सी एल लगा दिया, तो अब बेटे गिनती करूँगा वन और टू और थ्री और मेरे पास फोर, अब इसका नाम क्या हो गया, अब एक पे लगा हुआ है क्लोरो, दो पे लगा हुआ है क्लोरो, कितने क्लोरो हो गए भाई, ढाई क्लोरो हो गए, कितने क्लोरो हो गए, ढाई क्लोरो हो गए, नाम क्या, वही अपना साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, वन कोमा टू डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। तो भाई बहुत इजीली नाम लिख सकते हो आप किसी भी चीज़ का। अगर मान लो प्रतिस्थापित समूह मेरे पास कोई भी मैथिल हो एथिल हो, तो कैसे करोगे आप, प्रतिस्थापित समूह मेरे पास क्या हो, कोई भी एल ग्रुप मैंने ले लिया इस टाइप से, देखो मेरे पास भाई ये है कंपाउंड, ठीक है, और यहाँ मैंने लगा रखा कितना सी एच थ्री, अब नाम क्या है, तो सिंपल सी बात है इसका नाम हो जाएगा वन मैथिल, एक पे लगा हुआ है तो बेटे वन मैथिल, क्या होगा उसका नाम, वन मैथिल, ओके सर, वन मैथिल, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, बताओ यार कितने इजी नाम है, और आपसे ये नाम नहीं लिखने आ रहे। अगर मैंने मान लिया मैंने लिखा हेक्सेन, ये नॉर्मल हेक्सेन है, यानी कि ये साइक्लो हेक्सेन है, नॉर्मल नहीं साइक्लो हेक्सेन है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर इस कोने पे CH2 CH3 लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, ये CH2 CH3 एथिल होता, तो बेटे गिनती यहाँ से मत करियो, गिनती मैंने क्या बताई, जिधर से प्रतिस्थापित समूह की ओर से गिनती करते हैं, देखो प्रतिस्थापित समूह की ओर से गिनती करते हैं, तो समय मेरे पास प्रतिस्थापित समूह ये लगा पड़ा, तो सिंपल सी बात है नाम गिनती हम यहाँ से करेंगे, तो ये भी क्या होगा मेरे पास, वन एथिल, वन एथिल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ओके, साइक्लोहेक्सेन, किसी भी चीज़ का आप नाम ले सकते हो। एक नाम दे रहा हूँ करने के लिए, लिख लेना, देखता हूँ भाई कौन कौन इसका नाम लिखता है, कमेंट करना नाम लिख के इसका, कि भाई सर इसका नाम जो होगा वो ये होगा, ये मेरे पास सी एस थ्री है, ये मेरे पास सी एस थ्री है, ठीक है। अब इन दोनों का इसका नाम लिख के बताओ मुझे क्या नाम आएगा इसका, ठीक है।
फिर देखते हैं क्या नाम आता है, आप जो है कमेंट करो मुझे कि भाई इसका नाम ये है सर, ठीक है। इसके बाद देखो ज़रा, ठीक है, पहला रूल मेरे पास हो गया, यानी कि फर्स्ट रूल मेरे पास ये है, सेकंड रूल ये, अब थर्ड रूल आता है मेरे पास। थर्ड रूल ये होता है कि भाई ये ले लिया, उतार लिया होगा आपने, इसको इरेज कर दूँ, ठीक है, उतार लेना इसको, ना उतारा हो तो इसका कर देता हूँ इरेज, अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है भाई सर। आगे देखते हैं ज़रा, देखो अब रूल मेरे पास थर्ड ये आता है, इस थर्ड रूल पे ध्यान देना बेटे, क्योंकि ये थर्ड रूल बड़े काम का रूल है। अगर साइक्लोएल्केन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जुड़ा है, साइक्लोएल्केन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो गिनती हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं, ठीक है। अगर देखो यदि साइक्लोएल्केन में, किसमें बेटे, साइक्लोएल्केन में, यदि साइक्लोएल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कोई फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटे, जुड़ा है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जुड़ा हो, जुड़ा है, तो नंबरिंग कैसे करते हैं हम, तो नंबरिंग, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं, ठीक है, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं, ध्यान देना लाइन पे, ओर से करते हैं। चलो साहब कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ करने के लिए, कुछ कंपाउंड मेरे पास ये होंगे, ठीक है सर। अच्छा पहला कंपाउंड मैंने लिया है ओ एच वाला, क्या लिया है बेटे मैंने, ओ एच वाला, तो सिंपल सी बात है, साइक्लोएल्केन है क्या मेरे पास, साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास, ये क्या बेटे साइक्लोहेक्सेन है, अगर ये ना होगा ओ एच तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, लेकिन मैंने ओ एच लगा दिया तो उसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल फर्स्ट पे लगा हुआ तो फर्स्ट ही आएगा, साइक्लोहेक्सेनोल फर्स्ट कर दो, या साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट ऑल ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे इसका नाम देखो, इसका नाम बेटे क्या हो जाएगा, ये है मेरे पास सी डबल ओ एच, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनोइकम, साइक्लो, ठीक है, हेक्सेनोइकम, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोइड एसिड, और इसका नाम क्या हो गया बेटे, इसका नाम अगर मैंने ये सी डबल बोन ओ कर दिया, इसका नाम बताओ ज़रा मुझे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है क्या, कीटोन ग्रुप लगा रखा है मैंने ये, तो साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, यहाँ से गिनती फर्स्ट का, यहाँ से मत करना गिनती, गिनती फर्स्ट से होगी मेरे पास, ज़्यादा से क्रियात्मक समूह निकट पड़ेगा, देखो यदि साइक्लोएल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की ओर से होती है, तो यहाँ से गिनती करेंगे एक दो, तो मेरे पास क्या हो गया उसका नाम साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है भाई, साइक्लोहेक्सेनोन फर्स्ट, साइक्लोहेक्सेनोन फर्स्ट, नहीं दिख रहा हो तो जो बोल रहा हूँ लिख लेना साइक्लोहेक्सेनोन फर्स्ट, ओके। अगर मेरे पास रूल नंबर फोर्थ आता है बेटे, अगर मेरे पास रूल फोर्थ आता है भाई, रूल फोर्थ की बात आ गई, अच्छा रूल फोर्थ आ गया तो इसमें क्या होगा, अगर जरा ध्यान देना, अगर मेरे पास चैन यानी कि साइक्लोएल्केन के साथ चैन जुड़ी हो, साइक्लोएल्केन के साथ क्या जुड़ी हो, चैन जुड़ी हो, चैन में तुम्हारे पास क्या आया हो, मल्टीपल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया हो, ठीक है, या फिर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आया हो चैन में, तो हम चैन को चुनते हैं, ठीक है, यानी कि हम फंक्शनल ग्रुप की ओर से गिनती करते हैं, यानी कि साइक्लोएल्केन को ना चुनकर चैन को चुनते हैं। जरा देखो मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना, देखो इफ यदि चैन, ठीक है, चैन कंटेंस, ठीक है, मल्टीपल डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, देन प्रेफर चैन, ठीक है, हम चैन को चुनते हैं, प्रेफर चैन, साइक्लोएल्केन को पीछे छोड़ देंगे और चैन का हम नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो बेटे, एग्जांपल समझ में आ गया तुम्हारे, जैसे मेरे पास चैन ये है CH3CH, ठीक है, CH2 कर दिया मैंने, CH कर दिया, ठीक है, CH2CH3, अच्छा ये बताओ मैंने यहाँ लटका दिया साइक्लोप्रोपेन, ये लटका दिया मैंने साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये मैंने साइक्लोप्रोपेन लटकाया, अब इसका नाम बताओ जरा क्या हो जाएगा, तो गिनती कैसे करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब गिनती बीच में से मत कर दियो, गिनती होगी हमारी यहाँ से 1 2 3 4 5, तो तीन पर लटका पड़ा 3 साइक्लो, ठीक है, प्रोपेन, 3 साइक्लोप्रोपेन, और भैया 3 साइक्लोप्रोपेन नहीं प्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल, ठीक है, 3 साइक्लोप्रोपिल, और भैया 5 वाला क्या हो गया मेरे पास, पेंटेन, क्या हो गया बेटे मेरे पास, पेंटेन हो गया, 3-साइक्लोप्रोपिल पेंटेन, इस तरह से इसका नाम करते हैं, यानी कि चैन को आप प्रेफर करोगे, चैन का नाम दोगे आप, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी 3-4 नामकरण तुम्हें और करवाने हैं, बस उसके बाद करते हैं ख़त्म इस चीज़ को, ठीक है। तो रूल नंबर मेरे पास 4, अब देखो अगर मान लो मेरे पास ये है बेटे CH3CH, ठीक है, और ये मैंने लटकाया है साइक्लोहेक्सिल, ठीक है भाई, यानी कि साइक्लोहेक्सिल लटका दिया, इसके बाद एक हाइड्रोजन कम है तो ये बन गया साइक्लोहेक्सिल, तो अब मेरे पास CH2
और डबल बॉन्ड मैंने सी एच करके डबल बॉन्ड सी एच टू लिया, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, आप गिनती करूंगा मैं इधर से, एक दो तीन चार, तो मेरे पास देखो थ्री साइक्लोहेक्सिल, यानी कि थ्री साइक्लोहेक्सिल, ओके थ्री साइक्लोहेक्सिल, ठीक है, एक दो तीन चार ब्यूट, तीन चार ये क्या जगह मेरे पास ब्यूट, और कितने पे लगवा इन, इन पे, यानी कि वन पे इन लगा पड़ा, ठीक है, ब्यूट वन इन, ठीक है, ब्यूट वन इन, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास दूसरा दूसरा तीसरा नंबर मेरे पास आता है, जरा मुझे बताना बेटे इसका नाम क्या होगा, सी एच थ्री ये मैंने लटका दिया, साइक्लोहेक्सिल लटका रखा, चलो सी एच टू, और भैया सी एच टू, और मैंने लटका दिया ओ एच, अभी नाम क्या होगा, अब भी गिनती मैं जैसे करूँगा, एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड लगा हो चैन में, तो हम फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड की ओर से क्या करते हैं, गिनती करते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा साइड में चला जाता है पीछे, एक क्योंकि ये पावरफुल ग्रुप होता है, अपना नाम देता है ये, एक दो तीन चार, ठीक है भाई, चार वाला आ गया, तो तीन पे क्या लगा पड़ा मेरे पास, थ्री साइक्लोहेक्सिल, थ्री साइक्लोहेक्सिल, एक दो तीन चार, तो बन गया बेटे मेरे पास ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल फर्स्ट लिख दो आप इसको, या ब्यूटेन कर दो, ब्यूटेन फर्स्ट ऑल ऐसा लिख दो, ब्यूटेन फर्स्ट ऑल, ओके ब्यूटेन फर्स्ट ऑल, या ब्यूटेनोल फर्स्ट कर दो, या ब्यूटेनोल रहने दो खाली, कोई दिक्कत नहीं है, थ्री साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन फर्स्ट ऑल, ठीक है। आप इस तरह से कोई भी नामकरण, चाहे सी एच ओ ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी नामकरण करने में। तो इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया, साइक्लो एल्केन क्या होते हैं, और एक खास बात तो बता दूं मैं, साइक्लो एल्केन को पॉलीमेथिलीन भी कहते हैं, एक लाइन और लिख लो बेटे, साइक्लो एल्केन को नोट करके लिख लो ये, क्योंकि ये मैंने ऊपर लिखवाई नहीं है, इसलिए यहाँ लिख लो, साइक्लो एल्केन को, साइक्लो एल्केन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेथिलीन भी कहते हैं, पॉलीमेथिलीन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये भी मेरे पास मेथिलीन ग्रुप है, ये भी मेरे पास मैथिलीन ग्रुप है, जो मैथिलीन ग्रुप होता है ना वो ये होता है CH2, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीमेथिलीन, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक, इसमें तीन या तीन से अधिक मैथिलीन ग्रुप होते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया मेरे पास, ट्राई मैथिलीन, क्या हो गया बेटे, ट्राई मैथिलीन, ओके ट्राई मैथिलीन। इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटेन टेट्रामैथिलीन, साइक्लोपेंटेन पेंटामैथिलीन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, हेक्सामेथिलीन, तो इस तरह से आप सारे के सारे नाम लिख सकते हो। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।